स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको दिया हुआ है और इस डाटा के हिसाब से इसका मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ दिया है मार्क्स बिलो, ध्यान दीजिएगा, दिया है मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। मार्क्स बिलो मतलब ये 10 दिया, अर्थात ये 10 से नीचे रहेगा, अर्थात इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 0 से 0 to 10। ये 20 है तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस हिसाब से इसका क्लास मार्क क्लास हो गया 70 to 80। ठीक है, उसके नीचे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 एंड 250। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दिया है या असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं वो सीएफ होता है, अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आपको दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाला है। कैसे निकालता है फ्रीक्वेंसी, पहला जो सीएफ है वो हमारा एफ हो जाएगा, फिर इसके नीचे वाले 35 से 15 को माइनस करेंगे और 35 के सामने लिखेंगे, फिर 60 से 35 को माइनस करेंगे, 60 के सामने लिखेंगे, फिर 84 से 60 को माइनस करेंगे, 84 के सामने लिखेंगे, 96 से 84 को माइनस करके 96 के सामने, फिर 127 से 96 को माइनस करेंगे और 127 के सामने लिखेंगे, फिर 198 से 127 को माइनस करके 198 के सामने और 250 से 198 को माइनस करके 250 के सामने लिखेंगे। इस प्रकार हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी n 250 आ गया, यानी कि आपको f और cf पता चल गया और क्लास इंटरवल पता चल गया, n हमारा आया 250। तो हम इसके बाद क्या निकालते हैं, n by 2 निकालते हैं, n by 2 means 250 by 2 that is 125। इसके बाद आपको कल बताया, इसके पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि n by 2 हमारा क्या इसमें आया है, तो 127 में आएगा, क्योंकि 125 n by 2 हमारा 125 है, 125 या तो एक्यूरेट 125 में आएगा या फिर 125 के जस्ट बाद जो संख्या है उसमें आएगा, अर्थात 127 में आएगा। तो फिर 127 के जस्ट ऊपर वाला हमारा कैपिटल एफ हो गया और 120 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी हमारा स्मॉल एफ हो गया, और ठीक इसी के सामने जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये हमारा 50 लोअर लिमिट हो गया, और प्रत्येक के बीच का डिफरेंस 10 है तो उसको हम लोग एच लिखते हैं। ओके, यहाँ हमने लिख दिया एन इज टू आपका 50 हो गया, कैपिटल एफ 96 हो गया, स्मॉल एफ 31 और एच आपका 10 हो गया। मीडियन के लिए हमारा फार्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बाई एफ इंटू एच, एल का वैल्यू 50, एन बाई टू का 125, एफ का 96 और स्मॉल एफ का 31 इंटू 10। 50 अपने जगह पे प्लस अपनी जगह पे, 125 से 96 माइनस किए तो 29 है, बाय 31 इंटू 10, 29 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 290 बाय 31, यानी 50 प्लस 290 बाय 31, 290 में 31 का यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, ये आपका आया 9.35। तो फिर 290 बाय 31 की जगह पे हमने लिख दिया 9.35, 50 में 9.35 ऐड कर दीजिए, मीडियन आपका हो जाएगा 59.35। ओके, और भी क्वेश्चन है तो उसको फटाफट सेंड कर दीजिए ताकि मीडियन और मोड दोनों आज खत्म हो जाए, हम लोग नया एक्सरसाइज या सॉरी नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ आपके सिलेबस से हटा दिया गया, जिसको हमें नहीं पढ़ा। ओके।